टाइम की वजह से वेट कर रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता था कि जी गुड इवनिंग कि हम पिछली क्लासेज में ज्यामिति से या ज्योमेट्री से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यदि मैं एग्जैक्ट पिछली क्लास का आपको बताऊं तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा, एक तो आपने चतुर्भुज के बारे में सीखा कि चतुर्भुज क्या होता है और हम इसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने चतुर्भुज के अवयव पढ़े थे। अब अवयवों में, एलिमेंट्स में क्या आता है चतुर्भुज के, कि चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी हमने सीखा कि चतुर्भुज के अवयव क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो था चतुर्भुज का कोण योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं उसको, जहां हमने सीखा था कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कितना होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। ये भी हमने सीखा था ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, एकदम सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब इतना तो पढ़ लिया था, अब हम जैसे कि हर क्लास में करते हैं पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका आंसर आपको केवल पोल सेक्शन में देना है, कोई भी बच्चा कमेंट में इसका आंसर नहीं लिखेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं लिखेगा इसका आंसर और ना ही बोल के बताएगा, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा ना तो कमेंट में लिखेगा इसका आंसर और ना ही बोल के बताएगा। क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी और हमें इसमें कोण डी बताना है कि कोण डी कितना है। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अगर ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत ही बढ़िया। अभी तक कुछ बच्चे रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। 15 सेकंड से आपके पास जल्दी से आंसर करना है आपको, आपके पास केवल 15 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड से जल्दी से आंसर करो। बहुत बढ़िया, 10 सेकंड और बचे हैं, 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड से आपके पास, लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 5 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, सतीश कुमार जी, आपने चैट में दिया था आंसर, सॉरी, पोल में आपने आंसर किया था, सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है हाँ जी आप, हाँ, तो फिर चैट में आंसर क्यों लिखा? सोचे गया कौन नहीं होगा जी। नहीं, आपने आज दूसरी बार गलती की है, अगर आपने एक बार और गलती की तो आपको क्लास से निकाल देंगे, ठीक है। इससे पहले भी की थी ना आपने? हाँ नौ जी, सर इससे पहले। कमेंट चेक करो, आपने लिखा है उसमें गलती हो गई, कमेंट चेक करो, अपने वहां लिखा है, आज आपने दूसरी की, अगर आपने एक और गलती करी तो आपको क्लास से निकाल देंगे। ये ना सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर आप कोई भी गलती करते हो तो चांसेस हैं कि आपको क्लास से निकाल दिया जाए। अगर आपको शांति से पढ़ना है तो आप कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करोगे और ना ही कोई अननेसेसरी कमेंट करोगे। अगर मैं कुछ कुछ पूछ रहा हूं तभी आपको चैट में लिखना है, ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, हमसे पूछा है कि कोण डी क्या होगा। अब हमें एक चीज तो पता है क्या, कि चतुर्भुज के
चारों कोणों का जो योग है ना, वो अभी हमने देखा था वो 360 डिग्री होता है, यही मैंने अभी सबसे पूछा था। अब इसमें यदि इस चतुर्भुज की बात करूं तो इसमें ये कोण मुझे पता है, ये कोण मुझे पता है। अब यहां से दो कोण नहीं पता, एक तो कोण सी और कोण डी तो चलो मुझे निकालना है, ये मैं निकाल लूंगा, लेकिन यदि मुझे कोण सी पता चल जाए तो शायद मेरा आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा, देखिए अगर आप यहां देखोगे तो ये वाला कोण 80 डिग्री दे रखा है, और यदि आप इन दोनों को देखोगे, इन दोनों कोणों को देखोगे तो कोई बता सकता है कौन से कोण है, कोई बता सकता है कौन से कोण है? मुझे तो देखते ही दिख गया था कि कौन से प्रकार के कोण है। कोई भी है तो कमेंट में लिख के बता दे, अनम्यूट करके बता दो कि फिर से कौन। अभिमुखण हाँ जी, और कोई बताएगा, और कोई बताएगा? सुमन जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है उन्होंने बताया, और कोई बताएगा ये दोनों कोण कौन से हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जो मैंने नीले रंग से बनाए हैं ब्लू कलर से, वो कौन से कोण है? और कोई बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने, सुमन जांगरा के नाम से जो बच्चा है, ये दोनों है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। हाँ जी बिल्कुल, और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री होगा, तो बस, तो फिर तो हमें कोण सी भी मिल गया। अब हमें पता है इन चारों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी और कोण सी तथा कोण डी, सॉरी कोण सी तथा कोण डी, इन चारों का जो योग है वो 360 डिग्री होगा। अब इन सभी की हम वैल्यूज पुट करते हैं, कोण ए कितना है 70, तो इसको लिख दिया हमने 70, कोण बी कितना है 110, ये लिख दिया 110, प्लस कोण सी कितना निकला है 80, 80, और कोण डी तो अभी हमें निकालना है, तो मैं उसको ऐसे की ऐसे लिख देता हूं, ये बराबर है 360 के। अब तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं, 70, 110 और 80, 0, 8, 7, 15 और 1, 16 के 6, हासिल 1, 1 और 1, 2, तो ये हो गया 260। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूंगा 260 तीनों को जोड़ के, प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। यहां से कोण डी आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 270, मतलब 360 में से मुझे, सॉरी 260 है ना, सॉरी सॉरी, हाँ ये 270 नहीं है, 260 निकला है ना ये। हाँ जी, 360 माइनस 260, 360 में से 260 तो आसानी से घट सकते हैं, ये 100 डिग्री आएगा। अगर आपको ये कठिन लगे तो 360 में से 260 अलग से घटा के देख लीजिए, 0, 6 में से 6 घटेंगे तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 100 बचेगा, तो कोण डी का मान आएगा 100 डिग्री, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के, आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आया कि ये 100 डिग्री क्यों होगा, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वैसे ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही किया था इसमें, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलिए फिर आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। अब समलंब चतुर्भुज को ही इंग्लिश में हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज होता क्या है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, इन सब चीजों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें जो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यहां इंपॉर्टेंट यह कि केवल एक युग्म समांतर होना चाहिए, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर इसको फिर एक डायग्राम बना के समझा दो ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ एक ये चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज? ए बी सी डी। अब इसमें यदि मैं सम्मुख भुजाएं देखूं तो एक तो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये सम्मुख भुजा हो गई, और दूसरा कौन सा है, दूसरा युग्म, दूसरा एक ये वाली भुजा है और एक ये वाली भुजा है, तो यहाँ दो युग्म मिलते हैं। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बनते हैं, एक तो नीले वाला हो गया इसमें और एक लाल वाला हो गया। यदि आप लाल वाले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ इसमें ये एरो दे रखा है, एरो का मतलब ये है कि ये दोनों समांतर हैं। एरो का मतलब क्या है, ये दोनों समांतर हैं, यानी कि ए बी और सी डी हमारे समांतर हैं। हाँ जी सतीश कुमार जी, आपने 100 आंसर किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी आपको क्लास से निकाल ही रहा हूं।
ठीक है, क्योंकि अभी 100 आपने आंसर क्यों किया वैसे, आप बताओगे रीजन सर क्या? जी पहली बार को नेट जा रहा था जी, नेट जा रहा था जी, किसका? पहला बार को तो ठीक है था जी चलो, भाई मैं जी। अभी नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि फिर से बता हम रहा हूं बोले मैं, जी अगर कि आपने एक बार और जी किया तो अब क्लास से निकाल दूंगा, कोई बात नहीं, इंटरनेट का वो था तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है ठीक है। कोई भी बच्चा कमेंट केवल वही करेगा ना जो काम का है, अभी उन्होंने कमेंट किया 100 और यहाँ कोई 100 का काम बन नहीं रहा है, इसी वजह से कोई भी बच्चा अननेसेसरी कमेंट नहीं करेगा। अगर आपके डाउट्स हैं तो डाउट पूछ लो, अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहा है तो वो पूछ लो आप, कोई इशू नहीं है ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि ए बी और सी डी ये दोनों जो भुजाएं हैं समांतर हैं, इसका मतलब इस चतुर्भुज में ए क्यूब समांतर हो गया। अगर एक युग्म किसी भी चतुर्भुज में यदि एक युग्म समांतर हो जाएगा तो वो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा अच्छा ठीक है। ये समझ में आया ट्रेपेजियम का क्या मतलब है? किसी भी चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाओं का अपोजिट साइड्स जो होती हैं, यदि उनमें से कोई भी एक सेट पैरेलल है, यदि कोई भी एक युग्म समांतर है तो वो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ये समझ में आया समलंब चतुर्भुज कैसे पहचानेंगे? बस आपको एक युग्म देखना है, समांतर होना चाहिए। कमेंट पे लिख के बताइए यस या नो, समलंब चतुर्भुज समझ में आया? बहुत बढ़िया, देखिए सिंपल सा है ना, याद रखना है बस आपको कि यदि कोई भी एक युग्म समांतर हो ठीक है तो वो हो जाएगा, हाँ तो वो हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। चलिए अब देखिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज के। यदि मैं पहले वाले इन आकृतियों को मैं नाम दे देता हूं, 1, 2 और 3 ठीक है। यदि मैं पहले वाले चतुर्भुज में देखूं तो देखिए ये वाली भुजा, इसमें यहाँ एरो है यहाँ एरो, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों क्या है? ये दोनों समांतर हैं। इसका मतलब क्या हो? यह ध्यान रखना है, बराबर होना जरूरी नहीं है, यह समांतर होना जरूरी है, दोनों भुजाओं का समांतर होना जरूरी है, बराबर हो नहीं हो हमें कोई लेना देना नहीं है ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? समलंब हो गया ठीक है। इसी तरह से यदि मैं दूसरी आकृति को देखूं तो उसमें ये वाला युग्म समांतर है, कोई सा भी एक युग्म समांतर होना चाहिए सामने वाले भुजाओं का, उसमें ये है तो ये भी समलंब होगा। अब तीसरी वाली बताइए, क्या तीसरी वाली भी समलंब होगा, कि तीसरा वाला चतुर्भुज भी समलंब होगा क्या? जल्दी से बताइए, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे क्या तीसरा वाला भी समलंब होगा, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला युग्म समांतर है तो ये भी समलंब चतुर्भुज होगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया ठीक है। अच्छा अब आते हैं, अच्छा ये समांतर नहीं है, ये समलंब चतुर्भुज है, ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है ये समांतर नहीं है, ये समलंब आएगा ठीक है। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी पर, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए समलंब चतुर्भुज सीख लिया आपने कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो समान, अच्छा सॉरी नहीं, ये समांतर, ये हाँ यहाँ भुजाओं की बात हो रही है, समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं होती है ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं होती हैं उनके बीच बने जो क्रमागत अंतःकोण है उनका योग 180 डिग्री होता है ठीक है। अब यहां से शायद थोड़ा सा आपको अभी भी डाउट होगा कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप समांतर भुजाएं पहचानिए इसमें कौन कौन सी हैं। अच्छा मैं ना इन चारों भुजाओं को नाम दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4, अब इनमें से आप बता सकते हो कौन कौन से नंबर की भुजाएं समांतर हैं, कमेंट में लिख के बताइए कौन कौन से नंबर की भुजाएं आपस में समांतर हैं। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कौन कौन सी भुजाएं आपस में समांतर हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं सतीश कुमार जी 1 और 3 समांतर कैसे हैं, 1 और 3 तो दे ही नहीं रखा ना, एरो का निशान देखो ना, एरो कहाँ है, ये तो केवल 2 और 4 पे है ना, एरो हो या फिर इस तरह का निशान हो ये भी समांतर का होता है ठीक है। अगर इस तरह का निशान हो तो हम कहेंगे समांतर है। हाँ जी ए बी और डी सी बिल्कुल सही बात है, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है आपस में समांतर, ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो ए बी और सी डी है वो क्या है इसमें समांतर है ठीक है, ए बी और सी डी समांतर है। अब प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुण क्या है वो आपको समझना है। देखिए जैसे ये एक समांतर भुजा हो गई ठीक है,
दूसरी ये समांतर भुजा होगी। अब दोनों के बीच में जो क्रमागत कोण बनते हैं, अब क्रमागत मतलब लगातार वाले, दोनों के बीच में एक इसके बीच में होना चाहिए और एक इसके बीच में, ठीक है, इस तरह से क्रमागत कोण होने चाहिए। अब इन दोनों का जो योग होता है ना 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोण ए प्लस कोण डी, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब आपको लगेगा कि सर अगर मैं इसकी बजाय, कोण ए की बजाय यदि कोण बी और कोण डी को लूं तो क्या ये भी 180 डिग्री होंगे, कोण बी और कोण डी। तो यहां से देखोगे क्रमागत नहीं है, लगातार नहीं है ना, क्योंकि बी के बाद सी आएगा फिर डी आएगा, लगातार होने चाहिए, एक का भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत बी का क्रमागत या तो सी होगा या ए होगा, ये होते हैं क्रमागत कोण, ठीक है, जस्ट बगल वाला, ठीक है। और ये दोनों भुजाओं का अलग अलग होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है, आप बोलोगे कि सर फिर क्या ए और बी 180 होंगे, ये तो एक ही भुजा पे ले लिए ना, इसी भुजा पर, जबकि हमें दोनों से एक एक कोण चाहिए, जबकि हमें दोनों भुजाओं से एक एक कोण चाहिए। तो यहां से मैं एक कोण ये लेता हूं, दूसरा कोण ये, तो एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री हो जाएंगे। अभी इसमें एक और युग्म बनेगा, एक और जोड़ा बनेगा क्रमागत कोणों का, क्या आप कमेंट में बता सकते हो, समांतर भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहे हैं ना क्रमागत, उनका एक और जोड़ा बनेगा। एक तो ए और डी हो गया, दूसरा जोड़ा कोई बता सकता है कि कमेंट में लिख के, कमेंट में लिख के कोई दूसरा जोड़ा बता सकता है? बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया, निकिता शर्मा, प्रिंस कुमार, सुमन जांगरा, मोहित हुसैन, सीबीसी, अच्छा आपने दो बार लिख दिया बीसी ना, हाँ राहुल रईस, हाँ जी आपका एकदम सही बात है कि एक तो इस वाली समांतर ऊपर वाली भुजा से ये वाला कोण हो गया, नीचे वाली से ये हो गया, और ये दोनों क्रमागत भी हैं, इसलिए इनका योग क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, यहां ध्यान क्या रखना है, मैं इसको इरेज करके बता दे रहा हूं, पहले सबसे पहले आपको क्रमागत कोण बाद में देखने, सबसे पहले आपको समांतर भुजाएं पहचाननी है, जैसे एक भुजा ये हो गई, ठीक है, और दूसरी भुजा ये हो गई, ये समांतर हो गई ना, तो अब आपको ये देखना है कि दोनों भुजाओं के साथ से एक कोण लेना है। जैसे मान लो मैंने इसके साथ से ये वाला कोण लिया है, तो जो दूसरा कोण होगा वो दूसरी भुजा के साथ वाला होगा, क्रमागत होगा, तो दूसरी भुजा के साथ और क्रमागत तो यही है, इसलिए एंगल ए प्लस डी ये 180 होगा और एंगल बी प्लस सी ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा इसको ये तो इस तरह से है, मान लो समलंब आपको कोई दूसरी तरह से दे दे, दूसरी तरह का क्या मतलब है, मान लो किस तरह का समलंब दे दे, एक तो ये वाली भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई, ठीक है, ये दो भुजाएं हो गई। अब इसमें क्या है, हम और दूसरी भुजाएं बना देते हैं, इसको चतुर्भुज भी बना लेते हैं, ये हो गई, ठीक है। अगर इस तरह से आपको दे और मैं इसका नाम दे देता हूं, मान लो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो आप बता सकते हो कौन, एक कोई भी योग बना तो बता दो जिसका योग 180 होगा, इसमें भी होगा क्योंकि ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो जल्दी से बताइए इसमें कौन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे कौन कौन सा होगा, जल्दी से कौन कौन सा कोण होगा जिनका योग 180 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है, कोई भी एक युग्म बता दीजिए, कोई भी एक युग्म बता दीजिए जो भी आपको लग रहा है कि जिसका, ओके ओके ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रिंस कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, दूसरा युग्म और बताओगे, प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा है, प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने एक युग्म बना बता दिया, दूसरा युग्म और बताओगे, बिल्कुल बढ़िया शाबाश, प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा है उनका आंसर सही है, इसके बाद फिर सुमन जांगरा, इनका आंसर सही है, हाँ जी अभी सही देने लग जाएंगे। अच्छा मैं समझा देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अभी अपना आंसर सही करो या मत करो। देखिए ज्यादातर बच्चों ने क्या बोला है वो आपको ध्यान देना है, ज्यादातर बच्चों ने बोला था स्टार्टिंग में कि पी और एस इन दोनों का योग 180 होगा। अच्छा अगर यहां से आप ध्यान दोगे
पी और एस तो ए इसी वाली लाइन पर बने हुए हैं ना, जबकि इसके समांतर तो ये है ना, तो एक कोण इस वाली लाइन पे बनना चाहिए और एक कोण इस वाली पे, इसीलिए पी और क्यू, इसीलिए पी और क्यू आएंगे ना कि पी और एस। क्यों? क्योंकि समांतर भुजाओं के अगर मैं देखूं तो पी और एस तो एक एक ही लाइन पर बने हुए हैं, उसमें दोनों समांतर भुजाएं कवर नहीं हो रही हैं, दोनों समांतर भुजाएं कवर नहीं हो रही हैं, इसलिए एंगल पी। राजेंद्र जांगरा के नाम से जो भी बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। राजेंद्र जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इसमें क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब आपको समझ में आया? देखिए आपने ना ये वाला डायग्राम देख के उसमें आंसर किया, आपको लगा कि यहां से ये लेफ्ट वाले कोण देखने हैं, इसीलिए आपने यहां से भी लेफ्ट वाले कोण देख लिए, उल्टे हाथ, उल्टे हाथ के साइड वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखनी है समांतर भुजाएं कौन सी हैं, आपको क्या देखनी है, समांतर भुजाएं कौन सी हैं, और समांतर भुजाओं से एक एक कोण लेना है। जैसे इसमें एक तो ये वाली भुजा समांतर थी और एक ये वाली भुजा समांतर थी, तो एक कोण तो मैंने यहां से ले लिया पी और दूसरा मैं यहां से लूंगा क्यू। इसी तरह अगर पहले वाले डायग्राम में देखोगे तो ये दो भुजाएं समांतर थी ना, तो एक कोण तो मैंने इस वाली समांतर से लिया, एक इस वाली से। अभी आया समझ में? ये बताइए अभी आया समझ में? तो इस दूसरे वाले डायग्राम में हो जाएगा एंगल पी और क्यू इनका योग 180 हो जाएगा, और एंगल एस प्लस एंगल आर इनका योग 180 हो जाएगा। अभी आया क्या समझ में? अभी गलत नहीं होना चाहिए, आ गया ना, अभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, आंसर पोल में देना है, कमेंट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक समलंब चतुर्भुज है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, कोई भी कमेंट में आंसर नहीं करेगा और ना ही बोल के बताएगा। इसमें क्या है, आपको ये बताना है कि जो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें से कौन सा एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज बताना है आपको, ट्रेपेजियम कौन सा है। सभी बच्चे बताएंगे कि ट्रेपेजियम कौन सा है इसमें से। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर करो, 5 सेकंड है लास्ट, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, वैसे जितने बच्चों ने आंसर किया था उनमें से ज्यादातर ने आंसर सही किया है। देखिए आपको क्या करना था कि समलंब चतुर्भुज कौन सा है, हमें यह देखना है कि कौन सा एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का यदि एक युग्म समांतर है किसी भी चतुर्भुज में तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। अब मैंने सबसे पहले ऑप्शन ए लिया, तो आपको लगेगा कि सर इसमें भी तो समांतर है, लेकिन इसमें दे नहीं रखा ना, आपको समांतर दिख रहा है, ठीक है, आपको समांतर इसमें दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें दे नहीं रखा। अब दे के कैसे रखते हैं, जैसे यहां देखो एरो दे रखा है, एरो का मतलब होता है समांतर है, या फिर दो लाइन दे इस तरह से, या फिर दोनों पे इस तरह से दो लाइन दे तभी हम कहेंगे कि ये समांतर है। अब यहां तो कुछ दे ही नहीं रखा, इसलिए ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ऑप्शन बी में देख लेते हैं। तो देखिए एक ये और ये दोनों समांतर हैं, तो एक युग्म समांतर हो गया, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें टोटल 5 भुजाएं हैं, ये तो चतुर्भुज ही नहीं है। कैसे, एक भुजा तो ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये है, चौथी भुजा ये है, और पांचवी भुजा ये है, तो इसमें तो टोटल 5 भुजाएं हो गई, तो ये तो चतुर्भुज ही नहीं है, तो फिर समलंब चतुर्भुज कैसे होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन सी में देखूं तो ऑप्शन सी में ये सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है और ये 4 भुजाएं भी है, मतलब चतुर्भुज भी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन डी में देखूं तो सम्मुख भुजाओं का यहां भी एक युग्म समांतर तो है, लेकिन यहां भी 5 भुजाएं हैं, 1 2 3
चार और पांच, यहां भी टोटल पांच भुजाएं हैं, तो ये भी चतुर्भुज नहीं है, इसलिए हमारा केवल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केवल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए। वैसे ज्यादातर बच्चों का सही था, लेकिन अभी भी ना सभी बच्चे आंसर कर नहीं रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी आधे बच्चों ने ही आंसर किया था, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब एक और क्वेश्चन दिख रहा है आपको। हाँ जी, जो अभी मैंने समझाया था ना, वो यहाँ काम आएगा, क्वेश्चन नंबर 87, जो मैंने अभी कोण का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, समलंब चतुर्भुज में, वो यहाँ काम आएगा आपके, कि यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में एंगल ए आपका 70 डिग्री है, तो एंगल डी बताना है आपको कि एंगल डी कितना होगा। जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करेगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस काफी हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, आंसर आना स्टार्ट तो हो गया है, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए, अभी भी आधे बच्चों ने ही आंसर किया है, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी आधे बच्चों ने ही आंसर किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करो। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, इसलिए कोई हर क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 15 सेकंड्स हो रहे हैं आंसर करने के लिए, आपके पास 15 सेकंड्स हैं आंसर करने के लिए, आपके पास 15 सेकंड्स हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स बचते हैं, बस 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर करो, केवल 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या होगा। समलंब चतुर्भुज ABCD में एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल ए 70 डिग्री है, तो हमें ये वाला कोण बताना है। अब क्या इनमें कोई संबंध होता है? अगर आप याद करोगे तो यहां से मैं दे रखा है कि ये ए बी और सी डी, ये दोनों भुजाएं क्या हैं? ये समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो जो इनका एक एक कोण होगा, एक जो क्रमागत कोण है, एक वो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का योग जो है वो होगा 180 डिग्री। यही तो हमने अभी पढ़ा था। अगर ऐसा है तो एंगल ए दे रखा है हमें 70 डिग्री, एंगल डी हमसे पूछा है बराबर 180 डिग्री, तो एंगल डी हो जाएगा 180 माइनस 70, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब 180 में से आपको 70 को घटाना है, 0, 8 में से 7, ये तो एक और ये एक बचेगा, तो एंगल डी हो जाएगा 110 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? सही हो जाएगा। इसमें ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका आंसर गलत भी था, तो वो बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें आपको समय भी लगेगा, तो आपको समय लगाना भी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें आपको चतुर्भुज दे रखा है, वो कौन सा टाइप है वो आपको खुद से देखना है कि कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। इसमें बताया है आपको कि कोण क्यू 75 डिग्री है, कोण क्यू क्या है? 75 डिग्री। तब आपको कोण वाई बताना है कि कोण वाई क्या होगा, सभी बच्चे ये बताएंगे कि कोण वाई क्या होगा। इसमें भी हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। समय ले लीजिए आप इसमें, लेकिन एक ही बार में सही से आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप समय लीजिए, एक ही बार में सही से आंसर करने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे। हाँ, अभी आंसर आना स्टार्ट हुआ है, बहुत ही बढ़िया।
और इस बार आपका आंसर सही भी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे? हाँ जी, अभी आंसर आना स्टार्ट हुआ है सभी बच्चों का। अभी आंसर आना स्टार्ट हुआ है, बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर अब सही आ रहा है आपका, आंसर सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे? अच्छा, पंकज के नाम से, जो भी बच्चा है पंकज के नाम से, आपका नाम क्या है कमेंट में लिख के बताओगे? बाकी के बच्चे क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। पंकज के नाम से जो भी बच्चा है, आप नाम बताओगे अपना कमेंट में लिख के? बाकी के बच्चे क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। दिनेश, आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या बार बार? क्योंकि डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका, नेटवर्क इश्यू है क्या आपकी साइड से? हाँ यस सर। जी, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 15 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड से आपके पास, 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड से, बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, वैसे इसमें भी ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है। अच्छा, हमें यह पता है कि कौन क्यों क्या है, 75 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। यहां से दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। पहले मैं इसको बहुत ही आसानी से समझा देता हूं। ये दोनों भुजाएं समांतर है ना, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दो आप सब की चीज को। ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं। मैंने ये पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, कि जैसे ही आपको समांतर भुजाएं बने दिखे ना कहीं भी, और कोई एंगल पूछा हो, तो आप सबसे पहले जो हमारे एकांतर कोण है या संगत कोण है, उनका कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहां से मुझे एक जेड की आकृति दिख रही है, क्या ये आपको भी दिख रही है क्या? एक ये बन गया और एक ये बन गया, क्या आपको दिख रही है? यस और नो बताना, ये आपको दिख रही है क्या? हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर ये है तो इस साइड से तो एकांतर अंतः कोण ये हो गया, ठीक है। दूसरी साइड से इसका कौन सा होगा, इसके कौन से कोण के साथ इसका युग्म बनेगा एकांतर अंतः कोण के लिए? एकांतर अंतः कोण युग्म के लिए कोण वाई का कौन से कोण के साथ युग्म बनेगा? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। कोण क्यू के साथ, बिल्कुल, एकांतर अंतः कोण युग्म कौन कौन सा है? ये हो जाएगा एंगल वाई एंड एंगल क्यू, कोण वाई और कोण क्यू, ठीक है। अच्छा, अब हमें यह भी पता है कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर भी होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो कोण वाई है वो बराबर होगा कोण क्यू के, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कोण क्यू ये कितना है, 75। तो कोण क्यू की जगह आप 75 लिख दीजिए, 75 डिग्री। तो वाई कितना मिल गया हमें, यहां से वाई भी मिल गया 75। यही तो हमसे पूछा था, कोण वाई तो पूछा था। तो ये हो गया ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया जो हमने पहले पढ़ा था, जब कोण पढ़े थे, रेखा एवं कोण पढ़े थे। अब हम अब के हिसाब से इसको करते हैं, ऑप्शन ए सही है, इस तरह से भी दूसरी तरह से और देखते हैं। देखिए, ये 75 है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो जो कोण आर है ये वाला, ठीक है, तो कोण क्यू प्लस आर कितना होगा, दोनों का योग बताना। कोण क्यू प्लस आर दोनों का योग कितना होगा? अभी अभी पढ़ा है ना हमने, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। हाँ जी, कितना होगा, बिल्कुल सही बात है। ये समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है ना, समलंब चतुर्भुज का गुण होता है, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कोण क्यू क्या है, 75 डिग्री, तो मैंने इसको लिख लिया 75 डिग्री प्लस आर बराबर 180 डिग्री। अब यहां से कोण आर निकलेगा 180 माइनस 75, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको ये मिलेगा 105 डिग्री, आपको ये मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है प्रिंस कुमार जी, ये मिलेगा 105 डिग्री, बिल्कुल 105। सुमन जांगरा, आपने शायद टाइप गलत कर दिया है, सुमन जांगरा के नाम से जो बच्चा, आपने 150 लिख दिया है, 105 आएगा।
हाँ, शायद टाइपिंग हो गई है। ठीक है, अच्छा म्यूट कर लीजिए आप प्लीज अपने आप को। हाँ, ये मिल गया हमें 105 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता है कि जो ये पूरा कोण होगा, कौन सा ये पूरा कोण होगा, वो 180 डिग्री होगा। मतलब जो कोण आर है और जो कोण वाई है, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां से कोण आर तो मुझे पता है 105, इसकी जगह 105 लिख दिया, प्लस कोण वाई। हाँ जी, फिर से समझा देता हूं मैं, पहले इसको पूरा कर दो, 180 डिग्री। अब यहां से एंगल वाई आपका निकलेगा 180 माइनस 105। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी में समझाया है क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट केवल दो ही लगेंगे। ठीक है, कोण वाई आ गया 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं मैंने क्या बताया यहाँ, अभी आप ध्यान से समझोगे। देखिए, ये अभी मैंने बताया था कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। कैसे पता, क्योंकि इसकी ये एक युग्म जो है वो समांतर है। अगर समलंब चतुर्भुज है तो इसके ये एक साइड वाले ये जो एंगल हैं उनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, उनका योग हो गया 180। अब इसमें से मुझे पता है कि कोण क्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 75 डिग्री, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 75 डिग्री, और यहां से प्लस आर, और इसका योग 180 आ गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आर मिला मुझे यहां से 105 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण आर है वो मुझे मिल गया है यहां से 105 डिग्री। कितना मिला है, ये मिल गया है 105। अब मुझे लेकिन निकालना तो वही है, फिर कैसे निकालूंगा। मुझे ये पता है कि एक सीधी रेखा पर बने हुए जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो कोण आर और वाई को आप देखोगे तो एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, तो आर और वाई का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से मुझे कोण आर पता है तो मैंने आर की वैल्यू रख दी 105, और यहां से सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकाल ली है 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा आप बताओगे, समझ में आया आपके, अभी जो मैंने दोबारा समझाया समझ में। हाँ जी, सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा, आपको समझ में आया क्या, आपने बोला था ना, फिर से समझा दो। सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा आप बताइए, बाकी सभी बच्चे बताएंगे, सभी को समझ में आ गया ना, सभी बच्चे भी बताएंगे, सभी को समझ में आया, यस और नो। अगर नहीं आया हो तो अभी बता देना, मैं एक बार और समझा दूंगा। सभी बच्चे बताएंगे, सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा है वो भी बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, वो मीटिंग से ही चले गए, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहां से हमने देखा कि इसका आंसर था ऑप्शन ए, 75 डिग्री। तो अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जल्दी से मैं रिवाइज कर दूं कि कोई भी एक युग्म समांतर होना चाहिए सम्मुख भुजाओं का। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या है कि सम्मुख भुजा जो समांतर भुजाएं हैं वहां से दो लगातार कोण ले लो, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, और दोनों भुजाओं से एक एक कोण आना चाहिए, उनका योग होता है 180 डिग्री। ये बता दिया, अगर आपको ये दो चीज याद है तो आपको समलंब चतुर्भुज से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, काइट का या पतंग। आपने पतंग तो सबने उड़ाई होगी या देखी तो होगी, यस या नो बताना, पतंग देखी सभी ने, पतंग देखी है, पतंग काइट सभी ने देखी है, उड़ाई होगी जो भी आपने किया, और देखी तो सबने होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर पतंग के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो, पतंग भी एक तरह की एक शेप ही होती है, वो भी तो एक चतुर्भुज ही होता है ना। अगर आप पतंग का याद करोगे ना तो उसमें भी चार भुजाएं होती हैं। अब कैसी होती है पतंग, कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, यहां से हालांकि हल्की सी मुड़ी हुई होती है पर कुछ होती इसी तरह की है, वो भी चतुर्भुज के आकार की ही होती है, इसलिए उसे भी हम पढ़ेंगे। अब पतंग का क्या होता है, देखिए पतंग ये है कि जो उसकी अलग अलग आसन्न भुजाएं होती है ना, आसन्न भुजाओं के जो दो युग्म होते हैं, कोण कोणों की बात नहीं कर रहे, पहले भुजाओं की बात कर लेते हैं कि दो युग्म हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं और उनकी लंबाई बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है। देखिए पतंग को, ये सीधी पतंग है, इसके एक युग्म तो ये होता है सीधे वाला, ठीक है, और एक युग्म होता है नीचे की साइड वाला, एक युग्म होता है ये नीचे की साइड वाला। ठीक है, अब जो युग्म है जो आसन्न भुजाएं, अब इसमें से बता सकते हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भुजा एक, भुजा दो, भुजा तीन और भुजा चार,
आप ये बता सकते हो भुजा एक की आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं? ये बता दो आप। दो भुजाएं होंगी, आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी वो बता दीजिए आप। भुजा एक की, भुजा नंबर एक की आसन्न भुजाएं बताइए कौन कौन सी हैं। हिंट मैंने दे दिए, यहां से दो भुजाएं होंगी इसकी आसन्न, दोनों के नाम बताइए आप जल्दी से कमेंट में बताइए। भुजा एक की आसन्न भुजाएं क्या होती है ये मैंने पढ़ाया था, ये आपको याद करना है। याद कीजिए आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश राहुल मेहरा, विनोद, सुशील, प्रिंस, सुमन। सुमन आपने केवल एक ही बताया, सुमन के नाम से जो भी बच्चा है ना, सुमन जांगरा के नाम से, उन्होंने केवल एक ही भुजा बताई, दोनों बतानी है आपको। हुसैन खान, रईस। हाँ जी, सभी का आंसर एकदम सही है। निकिता, बिल्कुल। पड़ोस वाली जो भुजाएं होती है ना वो होती है आसन्न भुजाएं, ठीक है। पड़ोस वाली जो भुजाएं होती है वो होती है आसन्न भुजाएं। तो एक के पड़ोस में ये भी है और एक के पड़ोस में ये भी है, तो इसकी आसन्न भुजाएं हो गई दो और चार, ठीक है। अब किसी भी एक आसन्न भुजा का बराबर होगा, ऐसा नहीं है दोनों दोनों का हो सकता है, लेकिन किसी भी एक आसन्न भुजाओं का योग समान होना चाहिए, ठीक है। एक आसन्न भुजाओं का मतलब अगर मैं एक की बात कर रहा हूं तो एक का या तो ये बराबर हो इसके साथ या चार बराबर हो, कोई भी, दोनों भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो बराबर होना चाहिए। जैसे यहां देख सकते हैं, ये यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, इसका मतलब क्या है कि जो ए सी है, जो भुजा नंबर एक है, वो ए बी के बराबर है, ठीक है। कैसे पता? क्योंकि ये एक लाइन दे रखी है, इसका मतलब ये बराबर है। इसी तरह भुजा नंबर तीन और चार भी बराबर हैं। भुजा नंबर तीन का नाम क्या होगा? बी डी। ये बराबर है भुजा नंबर चार, जिसका नाम है सी डी। तो ये भी आसन्न भुजाएं हैं। जल्दी से बताइए, भुजा नंबर तीन और चार भी आसन्न है क्या? यस और नो। भुजा नंबर तीन और चार भी आसन्न है क्या? भुजा नंबर तीन और चार भी आसन्न भुजाएं हैं क्या? सभी को है ना, आसन्न क्या होती है? पड़ोस वाली भुजा ना, तो तीन और चार पड़ोस वाली ही तो है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। देखिए इसका ना थोड़ा सा अलग से कॉन्सेप्ट होता है। काइट या जो पतंग होती है, मैं फिर से समझा देता हूं कि उसकी जो दो, इसमें अलग अलग, पहले तो ये कि अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म समान होते हैं, तो दो युग्म होते हैं और जिनकी लंबाई समान होती है, तो एक युग्म तो ये बन गया, एक युग्म तो ये बन गया आसन्न भुजाओं का, और दूसरा युग्म ये बन गया। तो ऐसे आप युग्म बना लीजिए आसन्न भुजाओं के, और दोनों युग्म बराबर होने चाहिए। जैसे ये युग्म में जो भुजाएं वो बराबर हैं और इस युग्म में जो भुजाएं हैं वो भी बराबर हैं। अगर ऐसा है तो यही काइट होती है, ठीक है। या फिर उल्टा समझ लो कि यदि आपको कोई काइट दे रखी हो या कोई पतंग दे रखी हो, तो वहां आप समझोगे कि एक जो आसन्न भुजाओं का ये युग्म है ये आपस में बराबर होगा, और आसन भुजाओं का ये जो नीचे वाला युग्म है वो भी बराबर होगा, ठीक है। अच्छा अभी इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, ये आसन भुजाएं ये बराबर होंगी और ये भी आपस में बराबर होंगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन के थ्रू आप समझने की कोशिश करना कि उसमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें ये पूछा है आपको, ये बताना है कि कौन सी पतंग नहीं है। आपको क्या बताना है कि कौन सी पतंग नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से, वो आपको बताना है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी पतंग नहीं है, ये थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन सी इसमें पतंग नहीं है। बहुत बढ़िया, किसी एक बच्चे ने तो आंसर दिया जिसका आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें ज्यादातर बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बात है, शाबाश। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, क्योंकि ये तो आसान सवाल है ना, तो 15 सेकंड्स और हैं आपको ये सॉल्व करना है। 15 सेकंड से जल्दी से सॉल्व कीजिए आप, 15 सेकंड से आपके पास, 10 सेकंड्स और बची हैं, 10 सेकंड्स और बची हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, 5 सेकंड लास्ट, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। हाँ जी, इसमें भी ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सी एक पतंग नहीं है। अच्छा, अगर ऑप्शन ए को देखोगे तो यही तो हमने भी उदाहरण समझा था, कैसे कि इसका ये जो युग्म है ये वाला आसन्न भुजाओं का वो बराबर है,
और यदि ऊपर वाला युग्म की बात करें आसन भुजाओं के, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये भी तो आपस में बराबर है, तो ये तो पतंग है, ये तो पतंग है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। अब इसमें से ना कोई सी भी आसन भुजाएं ले लीजिए, कोई भी बराबर नहीं है। जैसे मान लो मैंने ये वाली और ये वाली आसन भुजा ली, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसी तरह से आप कोई भी दूसरा युग्म ले लीजिए। मान लो मैं ये वाला युग्म लेता हूं, एक ये वाली भुजा लूं और एक ये वाली, ठीक है, ये भी बराबर नहीं है, इसलिए ये पतंग नहीं होगी। समझ में आया क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कोई सी भी आप आसन भुजाएं ले लीजिए, दो कोई सी भी आसन भुजाएं ले लीजिए, वो आपस में बराबर है ही नहीं। जबकि पतंग में तो ऐसा होना चाहिए ना कि आसन भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आसन भुजाओं को दो अलग अलग युग्म बना लीजिए आप, और वो आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये आयत, हाँ जी आयत कह सकते हैं, पर इसमें कोण नहीं पता ना अभी हमें, कोण 90 डिग्री का होना चाहिए आयत में, आयत में 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, इसलिए आयत तो नहीं कहेंगे इसको। चलिए अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन सी में ये वाली दो आसन भुजाएं की भुजाओं की बात करूं तो ये बराबर हैं, क्योंकि दो लाइंस हैं। इसी तरह दूसरी साइड की दो आसन भुजाओं की बात करूं तो ये भी बराबर हैं, इसलिए ये भी पतंग होगी, ठीक है, इसलिए ये भी पतंग होगी। अब यहां ना आप में से काफी बच्चों को एक डाउट आ सकता है, मैं उस डाउट को बता देता हूं। आप में से काफी बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर अगर मैं इस वाले युग्म को लूं आसन भुजाओं के, एक युग्म ये ले लिया और दूसरा युग्म मैंने ऊपर वाला ले लिया, ठीक है, तो इस केस में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसी तरह से ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये पतंग नहीं होगी, ठीक है। आप में से काफी बच्चों को डाउट ये आ सकता है, लेकिन आपको तो देखना है ना कि कोई भी ऐसे युग्म लेने, जरूरी नहीं है। अब आपने तो बस केवल एक युग्म फिक्स कर दिया ना, आप यही लोगे, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग चेक करके देखिए कि कोई क्या ऐसा युग्म बन रहा है जिसमें भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं। तो चलिए ये युग्म नहीं बना, अब हम दूसरे युग्म बना के देखते हैं कोई आसन भुजाओं का, ठीक है, उसको मिटा देते हैं। तो जैसे ही मैंने दूसरा युग्म बना के देखा कि एक तो ये भुजा ले ली और एक ये भुजा ले ली, इसी तरह दूसरी साइड यदि मैंने ये वाली भुजा ले ली और ये वाली भुजा ले ली, तो ये बराबर है आपस में, और इसी तरह ये भी बराबर है, तो ये युग्म बन गया। अगर कोई सा भी युग्म इस तरह से बन जाता है तो वो काइट होगी, वो पतंग होगी, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन डी की बात करो, ऑप्शन डी में तो कोई सा भी युग्म ले लीजिए वो तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी में तो आप चाहे ये वाला युग्म ले लीजिए तो ये आपस में बराबर है, नीचे वाला ले लो तो ये भी आपस में बराबर है। तो ऑप्शन डी में तो आप कोई सा भी युग्म बना लीजिए आसन भुजाओं का, वो बराबर होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन डी तो कैसे भी सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हर हाल में पतंग होगी। आया समझ में? सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आया क्या, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं बार बार, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया था। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए चलिए फिर, हाँ जी हुसैन खान जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है? हुसैन खान के नाम से जो भी बच्चा है आपने हैंड रेज किया है, नो सर। ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट था। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वापस से पतंग पर ही बेस्ड है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। ये तो आसान लगना चाहिए, ये कठिन नहीं लगना चाहिए आपको, ये तो क्वेश्चन आसान है भी, इसमें तो ज्यादा सोचना नहीं है, ये तो सभी को याद होता है। किसी पतंग के आपको तीन कोण दे रखे हैं, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री, आपको चौथा कोण बताना है बस, कि चौथा कोण कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे, ये तो बहुत आसान है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सभी बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश।
ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, यहां सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, हाँ ये तो आसान सवाल था ना, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। राहुल कुमार जी कमेंट में नहीं लिखना ना, कमेंट में लिखना था क्या आंसर? राहुल कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, कमेंट में लिखना था क्या आंसर? मैंने बोला था कमेंट में लिखने के लिए। देखिए आप सभी लोग इस तरह की गलतियां मत करो। हाँ जी, नहीं बोला ना तो नहीं लिखना था। सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्लास में जो भी निर्देश दिए जाते हैं ना, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि क्लास अच्छी तरह से चल सके। अगर एक भी बच्चा उनको बिगाड़ता है ना, तो फिर पूरी क्लास उसी तरह से आंसर करने लग जाएगी। अभी आप सोच के देखिए, अभी आपने किया, मान लो सभी बच्चे कमेंट में आंसर करने लग गए, तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा ना। इसी वजह से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अपना आंसर पोल सेक्शन में ही करेंगे। ठीक है, चलिए मैं 10 तक गिन रहा हूं, 10 तक गिन रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया तो वो भी आंसर करेगा। ठीक है, 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड से, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। इसमें तो ये तो आसान था। अच्छा, ये पतंग दे रखा है, अब हमें ये तो पता है कि पतंग भी तो एक चतुर्भुज ही होती है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब योग 360 है तो तीन कोण दे रखें, चौथे को आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो चारों का योग क्या होगा? 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स, इन सभी का योग क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़िए, 60, 120 और 60, तो इनको अलग से जोड़ लेते हैं, 60, 120 और 60। हाँ जी, 0, 6 और 2, 8, और 6 14 को 4, हासिल 1, 1 और 1 2, तो ये हो जाएंगे 240। अच्छा, मैं हमेशा ये जो अलग से जोड़ के और अलग से घटा के क्यों बताता हूँ, ताकि आप लोग भी ऐसी ही आदत डाल लो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको जब यही किए आप जोड़ते हो तो गलती हो जाती है। ठीक है, अगर आप यही किए इनको जोड़ोगे तो गलती हो जाती है, इसलिए सभी बच्चे आदत डाल दो कि अगर आपको दो से ज्यादा संख्या जोड़नी हो तो या घटानी हो तो उसको अलग से कर लो आप। ठीक है, तो ये हो गया 240 प्लस एक्स बराबर 360। अब यहां से, हाँ जी, कुछ बच्चों ने आंसर भी कर दिया, एक्स क्या आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। अब 360 में से 240 घटा लो, 360 में से 240 जीरो, 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 1, तो एक्स आ जाएगा 120 डिग्री। एक्स क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। अब एक्स ही माना था हमने चौथा कोण, और चौथा कोण आ गया 120 डिग्री, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यहां तक समझ में आया कि आज हमने दो चीज सीखी, क्या क्या? सबसे पहले समलंब चतुर्भुज, दूसरा काइट। दोनों समझ में आए ना सभी को? यस और नो बताइए जल्दी से, यस और नो कमेंट में लिख के सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए जल्दी से होमवर्क की ओर बात कर लेते हैं। होमवर्क में क्या है? होमवर्क में देखिए, हमने कल कल ही पढ़ लिया था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मैंने होमवर्क में नहीं दिया था। चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, पढ़ हमने कल ही लिया था, लेकिन इसका होमवर्क आज करेंगे। नहीं, पहले होमवर्क की बात और कर लें, बस थोड़ा सा होमवर्क है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1, इसका प्रश्नावली 4.1 का इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्नावली 4.1 का, 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों भी सॉल्व करने हैं। फिर से 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया। इसके बाद प्रश्नावली 4.2 पे आते हैं, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं फिर से 5 तक गिन रहा हूं, 5, 4, 3,
2, 1, ये हो गया। इसके बाकी के दो क्वेश्चन हैं। अब इसमें क्या निकालना है, दोनों में ही एंगल सी बताना है कि एंगल सी कितना होगा, ठीक है। इसमें भी एंगल सी ही बताना है कि एंगल सी कितना होगा। फिर से 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5, 4, 3, 2, 1। बस इतना ही होमवर्क था आज की क्लास, बस यहीं तक थी, ठीक है। ओके, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर नहीं तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय बाय।